Hello students, in this video I am going to explain you what is solution and how to express the concentration of the solution. Okay, so इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा ताकि ये आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, हम बात करते हैं सोल्यूशन का. सोल्यूशन क्या होता है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. इसमें दो कॉम्पोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो सॉल्यूशन क्या होता है? इट्स ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना. एग्जांपल हम बात करते हैं ग्लूकोज प्लस वाटर. ओके, सो द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी दे आर कॉल्ड एज सॉल्यूट. यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया. और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया. ठीक है, अदर एग्जाम्पल, सपोज यू डिजॉल्व 20 ग्राम ऑफ NaCl in 500 ml of water. Okay, so NaCl is what? Common salt. Salt plus water. Salt plus water. So salt is what? A solute. Okay, if you dissolve 20 gram of salt in suppose 500 ml of water. So देख रहे हैं कि salt क्या है, यहाँ पे कम है, ये solute हो गया. ठीक है, और water जो कि ज्यादा है quantity में वो हो गया solvent. ठीक है, ओके, फाइन. अभी हम देखेंगे कि हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे. ओके, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. जैसे हमारा एक होता है मास परसेंट. ठीक है, मास परसेंट होता है. ये क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट के बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. हम बात करते हैं सेकंड, है ना. सेकंड होता है हमारा वॉल्यूम परसेंट. वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालते हैं? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. हम तीसरा बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट. ओके, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन ये होता है क्या? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट into 10 to the power 6. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मोल कैसे निकालते हैं. अगर आप मोल अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको मोलरिटी और मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो देखिए मोल निकालने का तरीका क्या है? गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट. गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ओके, मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन ले रहे हैं. सॉल्यूट हमारा सॉल्यूशन में क्या रहता है? सॉल्यूट रहता है, सॉल्वेंट रहता है, राइट. बाइनरी सॉल्यूशन में जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, हम वेट और मास केमिस्ट्री में सेम थिंग होता है. ठीक है, वेट और मास
हम सॉल्यूट का स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्वेंट का कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट ओके, सॉल्यूट का स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्वेंट का कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम जब बात करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज स्मॉल डब्ल्यू, ओके भाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज स्मॉल, ठीक है। सिमिलरली इसको हम ऐसे ले सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन ऑफ सॉल्वेंट ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कैपिटल डब्ल्यू बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से मोल फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा, फिर मोलारिटी समझ में आ जाएगा, मोलालिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, मैं अच्छे से सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को जनरली हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे मोल फ्रैक्शन हमको है ना सॉल्यूट का निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला भी हम लोग देख गया, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम अपॉन यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल, इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक है, नहीं इसका कोई यूनिट नहीं होता। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये क्या होगा, इसका सम वन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का हम बात करते हैं मोलारिटी का, ठीक है। मोलारिटी ये क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए क्वेश्चंस में हमारा वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिलीलीटर में जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है कि नहीं, 1 ml को क्या करेंगे, 1 ml इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। अगर हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया रहा तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे, मोलारिटी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम, स्मॉल एम नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया है तो हम 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल हम फॉर्मूला हमारा आ गया ये मोलारिटी का, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, है कि नहीं। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, ऐसा यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। अभी देखिए ये डिपेंड कर रहा है किस पे, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिए कि जब हम टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है कि नहीं, तो मोलारिटी का वैल्यू भी चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ, मोलारिटी का वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मोलालिटी का,
ठीक है, मोलालिटी क्या होता है देखिए, इंपॉर्टेंट है मोलालिटी, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू इन केजी होगा। ठीक है, अगर हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है उन्होंने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे। आपको मालूम है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है, तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। ठीक है, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा ग्राम में रखा है तो क्या करेंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू ये दे रखा है ग्राम में, तो हम उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करके केजी में कन्वर्ट करेंगे। फाइनली हम लिखेंगे क्या, मोलालिटी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मोलालिटी निकालने के लिए, ठीक है ना। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। अगर हम मोलालिटी और मोलारिटी का बात करेंगे तो मोलालिटी इज ए बेटर वे ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्यों, क्योंकि हमारा डिपेंड होता है मास ऑफ सॉल्वेंट पे, जो कि चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ। ओके, एज कैपिटल डब्ल्यू नॉट चेंजेस विथ टेम्परेचर, ओके, नॉट चेंजेस विथ टेम्परेचर, ओके, सो इसलिए ये मोलालिटी इज ए बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।